सो गाइस, हमारे पास आज है 2024 की ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस का डिस्क वाला वेरिएंट। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि जो है कंपनी ने जो हीरो की स्प्लेंडर प्लस है इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करा दी है। लेकिन भाई अभी जो है ये गाड़ी हर एक शोरूम पे अवेलेबल नहीं हुई है। भाई इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी पिछले महीने, लेकिन आज जो है ये गाड़ी मेरे सिटी में आई है। तो ऐसे आज भी बहुत से शोरूम्स हैं जहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो भाई आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये गाड़ी कब तक आपके सिटी में आ जाएगी, गाड़ी का प्राइस कितने रुपए बढ़ा है, गाड़ी में कौन कौन से फ़ीचर्स मिल जाते हैं, गाड़ी में कौन कौन से अपडेट हुए हैं और आपको आने वाले टाइम में क्या क्या अपडेट्स मिलेंगे। सारी आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। और ये गाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी वो भी आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले भाई आपको हम दिखाएंगे इस गाड़ी का फ्रंट का डिस्क, जो कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देख के आए हो। तो भाई ये है इस गाड़ी का फ्रंट डिस्क। इसके जो कैलिपर्स हैं वो आपको एंड्योरेंस ब्रांड के मिल जाते हैं, जिसका कि यूज़ आपने बजाज की हर एक बाइक के सिलेंडर में या फिर उसके अलॉय में देखा होगा। और भाई यही कंपनी का जो है KTM कंपनी अलॉय व्हील यूज़ करती है, तो ये कंपनी काफ़ी बेटर है भाई। एंड्योरेंस बहुत अच्छा ब्रांड है। इसमें जो है भाई आपको मिल जाती है फ्रंट में डिस्क, जो कि आपको ग्लैमर वाली डिस्क सेम देखने को मिलेगी। और इसका भाई जो फ्रंट सस्पेंशन है कंपनी ने इसे चेंज कर दिया है, इसमें अब आपको यहाँ पर मिल जाता है कैलिपर माउंट करने की जगह। बाकी इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको ग्लॉस पेंट के साथ देखने को मिलेगा, ये आपको मैट पेंट स्कीम के साथ नहीं मिलता है। बाकी जो क्वालिटी है प्लेट की वो आप देख लो, तो प्लेट वगैरह काफ़ी सॉलिड है, इसकी जो थिकनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मजबूती है। बाकी भाई जो प्लेसमेंट है वायरिंग की, मतलब पाइपिंग की, वो आप देखो, तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने काफ़ी अच्छे से कवर अप कर दी है। और भाई ये गाड़ी आपको CBS के साथ मिलती है, अभी कोई भी ABS नहीं आया है, लेकिन आपको भाई फ्यूचर में डेफिनेटली ABS मिल जाएगा। बाकी भाई इसका जो सिलेंडर है वो आप देखो, तो ये आपको मिलेगा एंड्योरेंस ब्रांड का। बाकी जो है ये गाड़ी आपको मिल जाती है CBS के साथ, तो भाई आप सारा सिस्टम देख सकते हैं कि ये आपको मिलेगा CBS के साथ। गाड़ी का जो ब्रेक का लीवर है वो आप एक बार देख लो, तो भाई लीवर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। बाकी जो है जो भाई डिस्क है वो सिर्फ आपको एक्सटेक वर्जन 1 में मिल रहा है, क्योंकि भाई ये जो है वर्जन 1 है और ये वाला जो है वर्जन 2 है, इसमें अभी डिस्क नहीं आया है, सिर्फ इसमें डिस्क आया है। बाकी इधर जो है आपको मिल जाएगी स्विच, सेल्फ स्टार्ट, i3s की, जो भाई एंड बार तो इसमें आते नहीं है। बाकी जो थ्रॉटल है ये आपको काफ़ी पतले मिलते हैं भाई, जिससे कि आपको राइड करने में काफ़ी बेटर फील होगा और राइड क्वालिटी आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेगी। बाइक का जो हैंडल बार है वो आपको क्रोम प्रिंटेड मिलेगा, जो कि ये काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी जो बाइक की की है वो आपको कुछ ऐसी दो नॉर्मल सी की मिलेगी, जिसमें कि आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी इधर हीरो की और इधर आपको मिल जाएगा लोगो हीरो का, कुछ ऐसी आपको दो की मिल जाती है। बाकी जो की स्लॉट है वो आपको यहाँ पर मिलता है, तो भाई थोड़ा सा जाम है, बरसात का महीना है तो थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं, तो की को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। बाकी भाई अभी तो ये इग्निशन ऑन होगी नहीं, क्योंकि भाई अभी तक इस पर जो है वायरिंग नहीं की गई है। जो भाई मीटर कंसोल है वो आपको ओल्ड वाला बिल्कुल सेम मिलता है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं किए गए हैं। लेकिन इसका भाई जो डैशबोर्ड है, जो कॉकपिट है ना, ये कंपनी ने बिल्कुल ही अपडेट कर दिया है। यहाँ पर आपको मिल जाता है USB चार्जिंग का पोर्ट, तो भाई इसका डैशबोर्ड भी चेंज है। जो फ्यूल टैंक है ये आपको ऊपर से कुछ ऐसा लगेगा, जिसमें कि आपको E20 की मिल जाएगी ब्रांडिंग, साथ ही भाई कुछ आपको ऐप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। इसका भाई जो फ्यूल कैप है वो अपडेट करना चाहिए भाई, ऐसे मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं, तो भाई आपको डेफिनेटली भाई नेक्स्ट ईयर इसका जो फ्यूल कैप है वो आपको अपडेटेड मिलेगा। और अगर भाई बाइक का टैंक देखें तो भाई जो टैंक है इसमें कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं किए हैं। ओल्ड वाली जो भाई स्प्लेंडर आती थी एक्सटेक वर्जन 1, तो भाई वही वाला आपको टैंक मिलता है, जिसमें कि भाई कंपनी ने इस गाड़ी में टोटल 3 कलर लॉन्च किए हैं, सभी में आपको ब्लैक का यूज़ मिलेगा। लेकिन भाई जो ग्राफिक्स हैं ये वाले, ये आपको रेड, ब्लैक और भाई आपको मिलेगा ग्रे, तो भाई ब्लू भी आपको मिल जाता है, तो इसमें यही 3 कलर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। बाकी भाई जो उधर के स्विचेस हैं वो दिखाना भूल गया था, तो इधर आपको मिल जाती है स्विच, सेल्फ स्टार्ट, इंडिकेटर, हॉर्न, अपर डिपर, पास वगैरह की, और जो लीवर्स हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी भाई इधर से भी आपको टैंक वैसा ही लगेगा। इसका भाई जो अगला अपडेट है वो है बाइक का ये यूटिलिटी बॉक्स,
इसका जो डिज़ाइन है कंपनी ने वो चेंज कर दिया है। इसमें भाई बिल्कुल ही नए आपको शेप के मिल जाते हैं, यूटिलिटी बॉक्स जिस पे कि आपको FI की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और उधर का जो बॉक्स है वो आप एक बार देखो, तो यहाँ का जो बॉक्स है वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा जिस पे कि आपको की स्लॉट इधर मिलने वाला है। साइड के जो पैनल्स हैं इस पे आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग स्प्लेंडर प्लस की, बाकी जो है भाई आपको मिलेगी ब्रांडिंग एक्सटेक की। ग्राफिक्स आपको ओल्ड वाले सेम मिलते हैं, वर्जन 1 में आता है, 2 में नहीं, फिर से क्लियर कर देता हूँ। बाकी भाई इसका जो अगला अपडेट हुआ है वो हुआ है गाड़ी के ग्रैब रेल्स में। तो भाई ये जो ग्रैब रेल है आपको भाई पता भाई कि ये ग्रैब रेल जो है पहले आता था 01 एडिशन में, लेकिन अब ये आपको डिस्क वाली स्प्लेंडर प्लस में देखने को मिल जाता है, जो कि भाई आप देख लो तो ये इसी में आता है, कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। तो ग्रैब रेल अपडेट हो गया। बाकी जो है भाई इसमें आपको मिल जाती है कुछ ऐसी हेलोजन की टेल लाइट, ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी हीरो की, और इसके भाई जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिलते हैं हेलोजन के, जो कि फ्लेक्सिबल है, वो आप देख लो। और इसका भाई जो सी फेंडर है, जो टेल्ट आईडी है, ये आपको ओल्ड वाला सेम मिलता है, इसमें कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। आपको भाई यहाँ मिल जाएगा रिफ्लेक्टर वगैरह। पीछे के जो भाई सस्पेंशन है वो आपको मिलेंगे डुअल सस्पेंशन, जो कि आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, और भाई कंपनी ने इसे काफ़ी अच्छे से कवर कर दिया है भाई, जिससे कि आपकी जो ऑयल सील है सस्पेंशन की वो कटे ना, और आपकी जो भाई सॉकर है उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और इसका जो टायर है वो आपको मिलेगा 80/18 का, जो कि आपको ये टायर मिल जाएंगे ट्यूबलेस, और ये टायर्स आपको मिलने वाले हैं MRF ब्रांड के। बाकी जो भाई टायर है वो तो ट्यूबलेस है, वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। जो भाई पीछे का अलॉय है इसमें कोई भी अपडेट नहीं किए गए हैं, पीछे वाले आपको अलॉय बिल्कुल सेम मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है, अभी कोई भी पीछे डिस्क का ऑप्शन नहीं आया है। और इसके भाई जो फुटेजेस हैं राइडर के वो आपको मिल जाएंगे फोल्डेबल, जो भाई फुटरेस्ट है पिलियन के वो भी आपको मिल जाएंगे फोल्डेबल। बाकी जो बाइक का इंजन है वो आपको 97cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल देखने को मिल जाता है। अभी जो है भाई इसमें आपको 100cc का इंजन कह सकते हो कि मिलता है, लेकिन भाई आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसका जो इंजन है वो आपको 125cc का मिलेगा, 135cc मिले या ना मिले, लेकिन आपको 125cc का इंजन कंफर्म है मिलेगा। और इसमें जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करा देती है किक स्टार्ट, और इसका इंजन आज भी लेटा हुआ आता है शुरुआती दौर से, और भाई आपको लेटा हुआ इंजन ही मिलेगा चाहे 125cc ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि भाई कंपनी ने ग्लैमर में जो है ये वाली भाई इसमें जो है खड़ा इंजन दे के इसको फ्लॉप कर दिया, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं होने वाली है। जो बाइक का लेग गार्ड है वो आपको काफ़ी सॉलिड मिलेगा, जो कि भाई काफ़ी अच्छे से माउंट है, तो आप माउंटिंग वगैरह देख सकते हैं कि हाँ काफ़ी सॉलिड है। इसमें जो कंपनी आपको देती है सिंगल हॉर्न का सेटअप, जो कि ये भी काफ़ी ठीक से टाइट वगैरह तो है, लेकिन भाई ये हिलेगा तभी आवाज़ आएगी। अगर भाई बात करें बाइक के फ्रंट लुक की, तो इसका जो वाइज़र है वो आपको ओल्ड वाला सेम मिलेगा, जिसमें कि आपको मिल जाएंगे LED के DRL, ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे ओल्ड वाले भाई, ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी स्प्लेंडर प्लस की। जो हेडलैम्प है वो आपको LED का इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता है, LED के हेडलैम्प उसमें आते हैं 2.0 में, तो भाई इसमें हेलोजन मिलता है। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको सेम मिलेंगे आगे और पीछे। जो नंबर प्लेट है वो आपकी इधर प्लेस होगी, तो प्लेसमेंट भी काफ़ी ठीक ठाक कंपनी ने दे रखी है। बाकी जो है भाई इधर आए, तो इसका जो चेन कवर है वो आपको लोहे का मिलता है इस वाले वेरिएंट में। कंपनी भाई इस गाड़ी में आपको साड़ी गार्ड, लेडीज फुटरेस्ट वगैरह दे देती है, ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी i3s की, और इसमें जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करा देती है सिंगल स्टैंड, डुअल स्टैंड, साथ ही आपको मिलता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच का फीचर। और इंजन का जो लुक है वो आप एक बार इधर से चेकआउट कर सकते हैं, जो अलॉयस हैं वो चेंज हुए हैं, वो आप एक बार ये देख के कंफर्म कर लो कि अलॉय बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और जो है इसके पूरे जो चेसी वगैरह है वो आपको ओल्ड वाली सेम मिलेगी। बाकी जो बाइक का पूरा लुक है वो आप एक बार साइड बाई साइड देख लो कि ये बाइक आपको साइड से कैसी लगने वाली है, पीछे से कैसी लगने वाली है। बाकी भाई अगर ये बाइक आपको परचेस करनी है तो नीचे जो है भाई आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, डिटेल्स। बाकी भाई यहाँ पर आपको हीरो की सभी बाइकें अवेलेबल मिल जाएंगी, चाहे वो वर्जन 1 हो डिस्क वाला, या फिर भाई वर्जन 2 हो स्प्लेंडर का। आपको भाई ग्लैमर के यहाँ पर सभी कलर्स मिल जाएंगे, और भाई जो एक्सट्रीम है ABS, नॉन ABS,
मतलब सभी बाइकें आपको यहाँ पर हीरो की मिल जाएंगी, सभी कलर मिल जाएंगे। तो भाई चाहो तो कॉन्टैक्ट वगैरह कर, काफ़ी अच्छे ऑफ़र वगैरह कंपनी ने दे रखे हैं। बाकी भाई आपको जानना हो ऑफ़र तो आप बताना भाई कमेंट बॉक्स में, आपको ऑफ़र भी बता देंगे। और इसका भाई जो प्राइस है वो आपको भाई बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप एक बार गाड़ी का जो प्राइस है वो ज़रूर पूछना, आपको प्राइसिंग वगैरह बता दूंगा। तो भाई जो वीडियो है लाइक ज़रूर करना। और हाँ भाई, ये गाड़ी अभी जहाँ जहाँ पर नहीं आई है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको एक महीने के अंदर अंदर हर एक शोरूम पे मिल जाएगी। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।